और आज शाम 5 बजे आपको ये सॉन्ग यूट्यूब पे और FM लेमन पे सुनने के लिए मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें इन सॉन्ग को। और फिल्म उफ़िक ऐसी हस्ती के सभी कलाकारों के लिए और सिनेवर्ल्ड मोशन पिक्चर की पूरी टीम के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय अनु मिश्रा जी से चाहूंगा कि फिल्म के सभी कलाकारों के लिए और टीम के लिए कुछ प्यार भरे शब्द और आगे के लिए हमको रास्ता दें। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सिनेवर्ल्ड मोशन पिक्चर के बैनर तले होटल प्रभा के इस सॉन्ग रिलीज के कार्यक्रम में मंचा सिंह मेरे भाई और सराफा मैं सोने चांदी के व्यवसायी अब कब से पिक्चर में आ गए मुझे पता नहीं, आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, राम बाबू आपको शाम सुनाई दे, हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर जो कलर के ही नौजवान हैं जिनमें अपना एक टैलेंट है, एक सोच है, जो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, ऐसे भाई अनुज श्रीवास्तव जी, दीपक इंद्र वाला जावेद जी जो म्यूजिशियन हैं, आपने आज उनका रूबरू गाना सुना है मेरे हर फंक्शन में, पारिवारिक फंक्शन में, मित्रों के कार्यक्रम में जावेद जी पूरी अपनी पार्टी के साथ मेरी शादी की 25वीं सालगिरह पर भी जावेद जी ने ही कार्यक्रम किया था, ऐसे जावेद जी को भी मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बेटी निशा उनके परिवार को उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कैमरा नहीं देख रहे और मुझे खुशी है, सच मायने में मुझे इस कार्यक्रम में आने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, मालूम है मीडिया से, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी, मैं मंत्री था, मध्य प्रदेश में बहुत सारी फिल्में यहाँ की शूटिंग की लोकेशन के अनुसार फिल्म आई जाती है, हमने भोजपुर में, होशंगाबाद में, सीहोर में जगह देकर के प्रकाश मेहरा से लेकर के अमिताभ बच्चन जी तक कि आप यहाँ स्टूडियो बनाएं, फिल्म भोजपुरी बनती है, पंजाबी बनती है, तेलुगु बनती है, तेलम बनती है, कन्नड़ में बनती है, उड़िया में बनती है, हमारे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को निखार लेंगे, हमारे दृश्यों को लेकर के वो चले जाते हैं, थोड़ा सा बिजनेस हमको मिल जाता है जब वो टीम आती है, उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल जाता है, छोटे कलाकारों को उसमें एक लाभ मिलता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश का अपना सिनेमा जगत होगा तो निश्चित तौर पर हमारे उन बच्चों को इसका मौका मिलेगा, और हम सबसे हमारी सरकार से दिली खाई करिए क्या हम उसके लिए हर संभव सहयोग करने को तैयार, प्रकाश जी ने अमिताभ जी के साथ कई फिल्में मध्य प्रदेश में फिल्म, लेकिन भाव हमेशा रहा कि हमारा ऐसा है कि स्टूडियो बन जाए, किस इलाके के भी तारे यदि चाहे उसमें मितावली हो, पड़ावली हो, त्योनिया हो, हमारा जैन मंदिर हो, हमारा कुनो साइफन हो, हमारा हर्षी डैम हो, एक एक चीज अपने आप में देखने लगी, फिल्म आने लगी, हमारा कुनो का वन्य प्राणी अभ्यारण्य अगर आप उसमें भी अगर करते तो आपको लगता कि जंगल के साथ साथ तो वो लेके जा रहा है तो वहां जानवर दाएं से बाएं निकल रहे हैं अपने आप, कोई उन्हें आका नहीं लगा रहा, इतने चीतल हिरण स्थावर वहां रहते हैं मित्रों, इसीलिए मुझे लगा कि रमेश जी ने जब कहा कि इस कार्यक्रम में मुझे आना था तो मुझे लग रहा था कि फिल्म का प्रीमियम शो होगा, क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि मुझे ऑडिटोरियम बुक करना है, फिर आए बोले नहीं नहीं सॉन्ग रिलीज करना है, तो मैंने कहा गाने से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, सुनता जरूर हूं लेकिन मैं म्यूजिशियन हूं, न कवि हूं, न लेखक हूं, मैं राजनेता, लेकिन भाई का आग्रह और मुझे ऐसा लगा कि ये यूनिट पूरी की पूरी हमारे ग्वालियर की है,
और ग्वालियर कला एवं संस्कृति में हमें विरासत में मिला है, यहाँ इसकी गूंज देश में सुनाई देती है, विश्व में सुनाई देती है। और ये पहला मौका है जब सारे के सारे हमारे डायरेक्टर से लेकर के को डायरेक्टर से लेकर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेकर के म्यूजिशियन से लेकर सारे आर्टिस्ट हमारे ग्वालियर और हमारे आसपास के हैं, उन सबको उनके परिवार को मैं बधाई देता हूँ। यह पिक्चर 77 सिनेमा घरों में नहीं 177 सिनेमा घरों में चले, ये मेरी दिल की कथानक भी बहुत अच्छा है। मैं रमेश जी से पूछ रहा इसमें राम बाबू जी से, रमेश जी अग्रवाल एक है, एक राम बाबू अग्रवाल है, मैं दोनों के साथ बिता रहता हूँ। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या शादी होगी, मैंने कहा यार ये पढ़ रहा हूं है क्या, बोलिए ट्रेजेडी फिल्म, इसमें शादी नहीं होती है। जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से भ्रमित रहती है उसको ठीक करने का काम, उसे दर्शाने का काम अभिभावकों को बताने का। मैं तो इतनी साफ सुथरी पिक्चर बनाना जिसके लिए मन में ये ध्येय न हो कि पैसा कितना आएगा, ध्येय ये हो कि कितने लोग इसे देख करके इससे सीख लेंगे और आने वाली पीढ़ी इस तरह कदम बढ़ाएगी जिस तरह उनके अभिभावक चाहते हैं, जिस तरह से उनको ऊंचाइयां छूना वो इस फिल्म का मूल ध्येय है। मैं जब तत्पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।